ब्राह्मणों के बीच में, वैदिक ब्राह्मणों के बीच में यह विवाह को महायज्ञ कहा गया है। यह विधि जो संपादित हो रही है यह साधारण क्रिया नहीं है, और विवाह के इस प्रसंग में जहाँ अब हम सारे लोग पहुँचे हैं मंगेश जी और सोनी जी के माध्यम से, इसका नाम है सप्तपदी। हमारे शास्त्रों में प्राचीन काल से ही 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे। ये 8 प्रकार के विवाह जो रहे, जिनका नाम था दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, गंधर्व विवाह और ब्राह्म विवाह। अब सभी को अलग अलग बताने में बहुत समय जाएगा। आज जिस रीति से विवाह और राक्षस विवाह में क्या अंतर है? अंतर है बता रहे हैं। अंतर यह है, राक्षस विवाह वह विवाह होता था जहाँ पर कि बलात् कन्याओं का हरण करके और उनके साथ विवाह कर लिया जाता था, जैसे जरासंध इत्यादि, वह राक्षस विवाह के अंतर्गत था। और पैशाच विवाह जहाँ पर कन्या के साथ मनमानी करके और जब गर्भाधिक व्यवस्था रहने पर सामाजिक प्रतिबंधों के दायरे में जाकर जब विवाह होता था तो उसे पैशाच विवाह कहते थे। यह अंतर है। लेकिन सामाजिक प्रतिबंध जब था, हाँ, और उसका उल्लंघन किए हो, वह दायरे के अंतर्गत ही है, तभी तो ये 8 विवाह आए। वह उस तात्कालिक संविधान के अंतर्गत ही रहा। अब इसके उदाहरण कहे तो हम बता दें, उदाहरण भी हैं इसके बहुत सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस रीति से आज हम सारे लोग विवाह करवा रहे हैं, कन्या के पिता ने संकल्प लिया था ब्राह्म विवाह विधिना कन्या दानम हम करिष्ये, तो ये सिद्ध हो गया कि आज ये जो विवाह हो रहा है यह ब्राह्म विवाह है। तो ब्राह्म विवाह किसे कहते हैं? कन्या पिता के घर में जन्म लेती थी, पिता अपने अनुकूल संस्कार शिक्षा दीक्षा देता था, और जब पिता यह समझ लेता था कि कन्या विवाह की योग्य हो गई है तो कन्या की इच्छा अनिच्छा को जाने बगैर अपनी व्यवस्था के अनुकूल एक वर की तलाश करके और उस वर के साथ कन्या का विवाह कर देता था। इसी को कहते हैं ब्राह्म विवाह, अरेंज मैरिज आज के समय के आधार पर, जहां पर कन्या की इच्छा अनिच्छा को जाना ही नहीं जाता था। और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, कार्य तब तक पूरा नहीं जब हो जाता तब तक यजमान को छोड़ा नहीं जाता। और कन्या के पिता ने जैसे ही कन्या दान किया वैसे ही पंडित जी ने कहा जा पानी वानी पिया खा पिया मजा कर, माने तुहार काम पूरा हो गया जा हटा यहाँ से, यही ना। लेकिन विवाह भी पूरा नहीं हुआ, पंडित जी लोग अभी तक वर और कन्या का ही संबोधन जारी रख रहे हैं बारंबार। लोग कहते हैं पंडित जी गठिया ना जोड़े है फेरा के समय, अरे भाई विवाह ना भावत गठिया कहाँ जोड़ी, अभी तक विवाह का कार्य परिपूर्ण नहीं हुआ। अब यहाँ पर कन्या और वर दोनों पंडित जी को माध्यम बनाकर अपने अनुकूल लौकिक व्यवहारिक मर्यादाओं को ध्यान में रखकर कन्या 7 वचन कहेगी और वर जो है लड़का 5 वाक्य कहेगा। और अगर ध्यान से सुने तो ये 7 वाक्य और 5 वाक्य ही पूरी विवाह की सारी आधारशिला इसी में है। हमारे शास्त्रों में बहुत सोच समझ करके इसको नाम क्या दिया है? विवाह। इसका नाम क्या है? विवाह। क्यों नाम पड़ा इसका विवाह? ध्यान रहे, परमात्मा ने, प्रकृति ने स्त्री और पुरुष जो दो अलग अलग चीजें बनाई हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल प्रतिकूल हैं। इनकी संरचनाएं किसी भी मामले में कहीं मेल नहीं खाती, और जब दो प्रतिकूलों को मिला करके एक किया जा रहा है तो वहां पर कुछ क्रियाएं होंगी। ऐसे साधारणतया यह एक नहीं होंगी। सामान्य रूप से देखा जाता है कि जब दो लोग जुड़ते हैं दोनों की अलग अलग शर्तें और जरूरतें होती हैं, मर्यादाएं होती हैं। हालांकि इसको हम कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत लोग इसको कॉन्ट्रैक्ट जैसा मानते जरूर हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तब तक अपने आप में स्थापित रहता है जब दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर, जरूरतों पर, व्यवस्थाओं पर कायम रहे। किसी भी कारणवश अगर एक व्यक्ति अपनी शर्त को नहीं मानता तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है। हमारे यहाँ विवाह
संबंध विच्छेद या तलाक जैसी कोई बात ही नहीं है। यह विवाह को हम जन्म जन्मांतर का संबंध मानते हैं, इसलिए इसका नाम विवाह है। क्यों पड़ा? वह धातु में वि उपसर्ग लगने पर शब्द बना विवाह। वह धातु का अर्थ क्या होता है? वहन करना, निभाना, ढोना, खेना, संभालना, ले चलना, आगे बढ़ना। लेकिन जब इसमें वि उपसर्ग लग गया, उपसर्ग करते क्या है, किसी भी शब्द के पहले लगने वाले जो शब्द हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। और ये जब शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो उसमें एक चमत्कारिक परिवर्तन ला देते हैं। चमत्कारिक परिवर्तन क्या है? जैसे शब्द है हार, हार में अगर वि उपसर्ग लगा तो विहार बना, प्र लगा तो प्रहार बना, ली नी लगा तो निहार बना, और वी लगा तो विहार बना, सबके अर्थ बदल गए। आज यहां पर वह धातु में वि उपसर्ग लगा है और तब जाके शब्द बन रहा है विवाह। तो क्या नवीनता आई इसमें, क्या चमत्कार हुआ? चमत्कार यही हुआ कि किसी भी कारणवश अगर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठा रहा है, अथवा प्राकृतिक वश नहीं उठा पा रहा है, अथवा नहीं उठाना चाहता है, किसी भी, हमारे शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया, बहुत सारी बातें कहीं छोड़िए नहीं तो भटक जाएंगे हम लोग। एक लाइन में यहां पर हर परिस्थिति में एक दूसरे को अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभालना ही है, इसीलिए इसका नाम विवाह है। अच्छा, अगर चर्चा हो रही है तो एक लाइन में एक बात की चर्चा और कर ले, फिर सीधे तौर पर दोनों बातें करेंगे। हमारे शास्त्रों में इस विवाह के माध्यम से ही वर कन्या को जो एक नया संबोधन प्राप्त होता है, वह नया संबोधन क्या है? पति और पत्नी। पति और पत्नी, इनके शब्दों के अर्थों पर भी अगर विचार कर लें तो पति शब्द जो है वह पाति धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है स्वामी, रक्षा, पालन करना। अब देखिए, कन्या का वर के साथ होता है, और जैसे ही कन्या वर के साथ जुड़ती है तो वर के जितने सारे रिश्ते हैं वो सारे रिश्ते उसको उपहार स्वरूप प्राप्त होगा। माता है तो सास होगी, देवर देवरानी, ऐसे ही जेठानी, नाना प्रकार के संबंध मिलते हैं। लेकिन वो संबंध उसको कब मिलते हैं? जब वो पति पत्नी बनती है और वो पति बनता है। अर्थात कन्या का सीधे सीधे जुड़ाव केवल और केवल पति के साथ होता है। तो टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? ओनली पति की, केवल पति की। कन्या के हर सुख दुख को देखने की जिम्मेदारी जो है वो केवल और केवल पति की होती है। और जान लीजिए, कहां से करी, कैसे करी, न कह पाऊ, ये पतियों के लिए बने ही नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो पतियों के लिए नहीं बने हैं, करना ही है। और अगर सही मायने में पति का अर्थ समझना हो तो पति के मन में इच्छा जागृत हुई और व्यक्त करने से पहले जो पूरा कर दे उसको पति कहते हैं। और इसी तरह पत्नी किसको कहते हैं? तो पतनात् त्रायते इति पत्नी। पति को जो पतन से उबारे, बचाए, उसी को पत्नी कहते हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, अंग्रेजी में कहावत है, वेल्थ एंड विजडम नेवर कैन मिक्स। लक्ष्मी और सरस्वती का कहीं मेल नहीं होता, कभी मेल नहीं होता, नेवर कैन मिक्स। लेकिन हम पत्नियों को क्या कहते हैं? श्रीमती, श्रीमती। पुरुषों को तो श्री कह के छोड़ दिया जाता है, श्रीमान कह के छोड़ दिया जाता है, लेकिन पत्नियों को कहते हैं श्रीमती। श्री माने लक्ष्मी और मती माने सरस्वती। बिना सरस्वती और लक्ष्मी के गृहिणी घर कार्य पूरा ही नहीं होगा, इसलिए इनको श्रीमती कहते हैं। इतनी बड़ी विशेषता इनके अंदर है। अगर जीवन में, संसार में, परिवार में पति राजा है तो पत्नियां उसकी मंत्री होती है। पत्नियों के छह कार्य हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, कार्येषु मंत्री। पत्नी पति के हर कार्यों में मंत्रिवत सलाह देने वाली होनी चाहिए। लेकिन मंत्री कैसन हो चाहे? ओनली फॉर एडवाइस, नॉट फॉर ऑर्डर। सचिव वैद गुरु तीन जव, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नास। ठकुर सुहाती या चापलूसी वाली बातें पत्नियों को नहीं करनी चाहिए। जो धार्मिक हो, मर्यादित हो, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, जो एक आधारशिला को स्थापित करने वाली हो, ऐसी बातें पत्नियों को पति के समक्ष रखनी चाहिए। तो पहला कार्य हो गया कार्येषु मंत्री, हर कार्यों को करते समय मंत्रिवत सलाह देने वाली होनी चाहिए। दूसरा कार्य है पत्नियों का करणेषु दासी,
हर काम को, गृह कार्य को करते समय उनके मन में दासत्व यानी नौकरानी वाला भाव होना चाहिए। अब आज के समाज में परिभाषा पंडित जी भगाई दिया जाएंगे, कहीं नौकरानी बनवत है। नहीं, नौकरानी का, नौकरानी में भी एक मर्यादा है। माता भगवती सीता जी जब स्वयंवर में भगवान श्री राम का दर्शन करती है, उसके बाद गौरी पूजन के लिए जाती है, तो क्या कहती है, मोहि करौं रघुबर की दासी, जगत जननी जगदम्बा करेक मोहि करौं रघुबर की दासी। तो स्त्रियों में दासत्व का भाव होना अनिवार्य कार्य है। यह दूसरा गुण रहा। तीसरे गुण में कार्येषु मंत्री करणेषु दासी। अब देखिए, संसार में पांच माताएं बताई गई हैं, माई एक ही होते, जन्म देवे वाली माई एक ही होते, लेकिन संसार में पांच माताएं होती है, जिसमें एक माता है पत्नी, पत्नी माता। अब आप लोग कहेंगे पंडित जी बड़ा अटपटा बात करते हैं, तो भोज्येषु माता, एक ग्रास, एक रोटी, एक कवर के ज्यादा खियाव सकत है तो केवल पत्नी है। अब नहीं तो ड्यूटी नाइट शिफ्ट होता, डे शिफ्ट होता, सेकंड होता, फ्रिज में रखा ले लिया के इतना खाली, अरे अड़स ले ठूस ले ढके भकोस ले ढाई दिन थरिया ले ले ले। पत्नी को चाहिए कि भोजन कराते समय मातृवत भाव में जाकर के भोजन कराए। यह तीसरा विशेष प्रमुख गुण है, भोज्येषु माता। आगे वाला गुण है शयनेषु रंभा, पति के चित्त को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। क्षमा धरित्रीषु, अब देखिए यह बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है। संसार में गलतियां किससे नहीं होती, हर किसी से हो जाती हैं। गलती करना व्यक्ति का स्वभाव बताया गया है, लेकिन बुद्धिमान लोग एक ही प्रकार की गलती दोबारा नहीं करते। अगर किसी भी प्रकार से गलती हो गई तो जैसे धरती माता क्षमा कर देती है, माता पृथ्वी की तरह पत्नियों के अंदर क्षमा गुण, क्षमावान गुण होना चाहिए। और सबसे अंतिम है धर्मानुकूला, धर्म के अनुकूल आचरण करने वाली। ध्यान रहे, अभी तक हमने लड़कियों को कहां बैठाया है, दाहिने। क्यों बैठाया है, क्योंकि यह पत्नी रूप में नहीं है। अभी पत्नी रूप में, पत्नी भाव में जब जाएगी तो हम बामांगे बैठाएंगे। अच्छा, पंडित जी लोग जब कथा पूजा सुनावत हैं, कौनो भी यज्ञ करावत हैं, तो कहां बैठावत हैं मेरा उनके, दाहिने। जबकि वहां वो पति पत्नी होते हैं, फिर कहा है दाहिने बैठावत हैं, तो दाहिने इसलिए बिठाते हैं उतने समय के लिए वो पत्नी नहीं होती। ध्यान रहे, जजमान जहां बैठता था उसके दाहिने पत्नी बैठती थी, और उसके भी दाहिने आचार्य को बिठाया जाता था। दाहिने किके बैठाया जाता, जे श्रेष्ठ हो, जे बड़ा हो। तो धर्म के अनुकूल आचरण करने के कारण स्त्रियों को सदैव आगे बिठाया जाता है, दाहिने बिठाया जाता है, श्रेष्ठतम दर्जा दिया जाता है, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। पहले भगवती का स्मरण किया जाता है धर्म के अनुकूल आचरण करने के कारण। तो जैसे परछाई वस्तु विशेष का साथ नहीं छोड़ती, उसी तरह पत्नियों को सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में, मान में, सम्मान में, अपमान में, हर परिस्थिति में पति की जय जयकार करते रहना चाहिए। ये पत्नियों के गुण हैं। अब हम आगे सीधे सीधे जो वैवाहिक प्रसंग में कन्या सात वचन कह रही है वर के समक्ष, वो रखने जा रहे हैं हम लोग। पंडित जी बोलेंगे तीर्थ व्रतो व्यापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि कर्म कुर्या वामांग मायामित दात्वदेयम् जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। देखिए, हमारे शास्त्रों में बड़ी विडंबना है। पुरुषार्थ पुरुषों के अधीन कर दिया, और स्त्रियों में कुछ ऐसी विशेष गुण हैं जिसके कारण इनको अकेले सब कार्य करने का अधिकार ही नहीं प्राप्त था। तो कन्या कहती है कि आप कोई भी यज्ञ जागादिक कृत्य करेंगे, तीर्थ व्रत जप तप उद्यापन जो कुछ भी आप करेंगे, तो मुझे साथ में लेकर करेंगे। अगर आप ऐसा करने के लिए कटिबद्ध तटस्थ हो रहे हैं, मंगेश जी शांति शांति शांति, तो ही मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूं। ये कन्या का पहला वाक्य है। अच्छा, इसी एक वाक्य के कारण हमारे शास्त्रों में पुरुषों को अकेले कोई कार्य करने का अधिकार नहीं है, जबकि स्त्रियां अकेले पूजा पाठ कर सकती हैं। पुरुष देश विदेश प्रदेश गया है, दूर है, तो स्त्री अकेले पूजा पाठ कर सकती है, लेकिन पुरुष बेचारा नहीं कर सकता। दूसरे वाक्य में कन्या कहती है,
कि हव्य प्रधानेर अमरान पित्रेश्च कव्य प्रधानेर यदि पूजये था वामांग मायामि तदा त्वदीयम् जगाद कन्या वचनम्। दूसरे वाक्य में कन्या कहती है कि शास्त्र कहता है कि जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो घर में सुख समृद्धि शांति की प्राप्ति होती है, और यदि आप पितरों की पूजा करते हैं तो आपकी वंश वृद्धि होगी, उत्तम संतानोत्पत्ति होगी, परिवार में कलहादिक दोष नहीं होंगे और आप निरंतर मान सम्मान यश के साथ आगे बढ़ेंगे। शास्त्रों में प्रतिदिन देवता और पितरों की पूजा करने का विधान कहा गया है। देवताओं की पूजा हव्य के माध्यम से, हवन के माध्यम से, और पितरों की पूजा कव्य यानी पिंडदान के माध्यम से होती है। कन्या कह रही है कि यथा समय, जैसा समय अनुकूलित समय हो, उस आधार पर यदि आप देवताओं की पूजा कर, उद्देश्य तो यह है कि कन्या यह जानना चाहती है, परखना चाहती है कि जिस व्यक्ति के साथ मैं जुड़ रही हूँ उसके आचार विचार कैसे हैं, आस्तिक है कि नास्तिक है, कैसा है, सहज है, कठिन है, दुरूह है, इन भावों को परखने के लिए वो जानना चाह रही है कि जिसके उसके मनोगत भाव क्या है। तो यदि आप ऐसा करने के लिए कटिबद्ध हैं, तैयार हैं, तब मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। कन्या का यह दूसरा वाक्य रहा। और तीसरे वाक्य में कन्या सहज होकर, गंभीर होकर, बड़ी व्यवहारिक बात करने जा रही है कि कुटुंब रक्षा भरणम यदि त्वम कुर्या पशूनां परिपालनं च वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयं। कन्या जानती है कि विवाह होगा तो आगे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आवश्यकताएं बढ़ेंगी और जरूरतें बढ़ेंगी, और इन सारी व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए अर्थ बल की आवश्यकता होगी। लाइव वीडियो चला था, तुहरे सबका नाव खराब हो, एक मेरे भी बहुत चिल्लात है, हालांकि तो प्रसिद्ध ही हो, चट्टी में हारू बैठी रहे, आवाज न हो, सीताराम जय श्री राम। तो कन्या कह रही है कि जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, जरूरतें बढ़ेंगी, तो उसको व्यवस्थित करने के लिए आपको नौकरी करना होगा, बिजनेस व्यापार करना होगा, धंधा व्यापार, रोजी रोजगार, अर्थबल कमाना होगा, अर्निंग पैसा कमाना होगा। यदि आप ऐसा करने के लिए ये नहीं कि बहुत सारे लोग ब्याह है विदे काम करा थे, ब्याह हो गया तो निर्द्वंद हो गया सीताराम, तो ऐसा नहीं करना है। विवाह से पहले दिखाए भैया बहुत बड़ा बड़ा पैकेज बजाना, देश विदेश भैया वहां घूमत है, अब ब्याह के बाद बैठ गए घरे, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। अगर आप ऐसा मानते हैं तब मैं आपके वामांग में पत्नी बनने के लिए तैयार हूं, कन्या का तीसरा वाक्य है। और चौथे वाक्य में कन्या और बहुत बड़ी बात करने जा रही है। आयम व्ययम धान्य धनादिकानां दृष्ट्वा निवेशम प्रगृहम निदध्या वामांग मायामि तदा त्वदीयम् जगाद कन्या वचनम चतुर्थकम्। अच्छा, ये सारे नियम जो जब बने थे तब संयुक्त परिवार हुआ करता था, और संयुक्त परिवार का एक मुखिया होता था, मालिक एक, कमाने वाले बहुत सारे। अच्छा, जो लोग कमाते थे तो ईमानदारी से मालिक के हाथ में रख भी देते थे। अब मालिक बेचारा यह नहीं देखता था कि हमारा कमहैया बिटवा हो कि हमारा बैठा वाला बिटवा हो, जिसके लिए जो जरूरत होती थी, समान जैसे वृक्ष जड़ समान रूप से तना में, डाली में, पत्तों में, फूल में, हर जगह पोषण को पहुंचाता है, ऐसे वह मालिक बेचारा जड़ की भांति पूरे परिवार की रक्षा करता था। लेकिन व्यक्ति विशेष के बीच में कुछ ऐसी जरूरतें होती हैं, व्यक्तिगत आवश्यकताएं, अगर मालिक के लगे पहुंचा पूरी सैलरी पकड़ा दिया, और तो है व्यक्तिगत ऐसा बजट आ गया जो उन्हें बजटों पेश ना कह सकते, बता नहीं सकते कि खर्चा बदे हमें पैसा चाहिए। तो शास्त्र का कहा था, कन्या कह रही है आयम व्ययम, आप क्या कमाते हैं और क्या खर्चा करते हैं, धान्य धनादिका नाम दृष्ट्वा निवेशम प्रगृहम विदध्या, और घर परिवार समाज की नजरों से बचा कर क्या रखते हैं, पॉकेट मनी अलग से जो साइड में रखते हैं, घर वालों की नजर से तो आप छुपा सकते हैं लेकिन मेरी नजर से वह नहीं छुपेगा, मेरी जानकारी में सब कुछ होगा, मुझसे आप कुछ नहीं छुपाएंगे। यदि आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं तब मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूं। यह चौथा वाक्य रहा। अब पांचवें वाक्य में कन्या जानती है, धनात् धर्मः ततः सुखम्।
व्यक्ति को चाहिए कि वह परिश्रम से धन का संचय करे और उस धन को धर्म के रास्ते पर खर्च करे। धन की तीन गति हमारे शास्त्रों ने बताई है, दान भोगो नास्त, यो न ददात न भुंगती, जो नहीं देता और नहीं भोग करता तो तस्य त्रिधा गतिर भवती, उसकी तीसरी गति हो जाती है, धन नाश को प्राप्त हो जाता है। तो कन्या कह रही है कि देवालया राम तड़ाग कूपम वापे विदध्या यदि पूजये था वामांग माया मितदात्वदीयम जगाद कन्या वचनम च पंचमम। कन्या कह रही है कि आपको जरूरतमंदों की सहायता करनी होगी, परोपकार के कार्यों में संलग्न होना होगा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये धर्म क्या है? धी धातु से धर्म बना, जिसका एकमात्र अर्थ होता है धारण करना, व्यवहार में प्रयोग में लाना, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, क्या पहनना ओढ़ना है, देश काल परिस्थिति वातावरण के अनुकूल कैसे चलना है, इसकी जो हमें शिक्षा देता है उसका नाम है धर्म। और कन्या कहती है कि आपको धर्म के रास्ते पर चलना होगा, धर्म रूप होकर के जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में सुखी ही रहेंगे। ये तो धर्मस्ततो जय, जहां पर धर्म है वहीं पर जय जयकार है। इसलिए कन्या कह रही है कि आप जब धर्म रूप रहेंगे तभी मैं धर्म पत्नी बनूंगी। धर्म पत्नी शब्द है ना, आप ध्यान दीजिए, धर्म पुत्र यानी अपना पुत्र नहीं है, धर्म पिता सगा पिता नहीं है, धर्म माता सगी माता नहीं है, धर्म से जुड़ा सारा रिश्ता माने वो अलग ही हो, लेकिन धर्म पत्नी अगर कह दिया तो दूसरे की पत्नी नहीं अपनी पत्नी। इसलिए आपको धर्म रूप बनना होगा, ये कन्या का पांचवा वाक्य रहा। और छठे वाक्य में फिर देखिए चालाकी आ जाती है, कन्या कह रही है कि देशांतरेवा स्वपुरांतरेवा यदा विदध्या क्रय विक्रय तुम वामांग मायामि तदा त्वदीयम् जगाद कन्या वचनम च षष्ठमम्। अच्छा, जितनी सारी बातें मैं बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि यही इसका अर्थ हो, इसके और भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। ये जिस भाव में जाकर जिस रूप में ये सेंटेंस बना है इसके एक नहीं हजारों हजार अर्थ हो सकते हैं। और ये ऐसे वाक्य है, आज नहीं आज के हजार साल बाद भी यही लाइन पढ़ी जाएगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे सारगर्भित वाक्य है। कन्या कह रही है कि आप देश में रहें चाहे विदेश में रहें, यहां कमाएं वहां कमाएं, जो बनाएं जो निवेश करें खरीदें बेचें, सब में नॉमिनी वाला कॉलम मेरे लिए सुरक्षित होना चाहिए। नॉमिनी समझा था ना, हाँ, बैंक हर जगह नॉमिनी लिखा रहते हैं कि फॉर्म में एक नॉमिनी लिखा रहते हैं, तो वो मेरे लिए होगा। अगर आप शेयर बराबर का शेयर होना चाहिए, अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार है तभी मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं। ये छठा वाक्य है। सातवें अंतिम वाक्य में कन्या समस्त नारी जाति के मान सम्मान गौरव के लिए एक बड़ी विशेष बात करने जा रही है। यह अंतिम वाक्य भी है। कन्या कहती है कि न सेवनिया पर किय जाया त्वया भवे भावे निकामिनिश्च वामांग माया मितदात्वदीयम् जगाद कन्या वचनम च सप्तमम्। सातवें और अंतिम वाक्य में कन्या कह रही है, हमारे संसार में पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है बड़ा ही पवित्र और मर्यादित रिश्ता कहा गया है, बड़े ही सम्मान की दृष्टि से लोग इसको देखते हैं। और यदि यही रिश्ता पति पत्नी को छोड़कर अन्यत्र कहीं स्थापित हो जाए तो समाज इसको बड़ी गंदी नजर से हे दृष्टि से देखता है और उस व्यक्ति की कोई कदर नहीं होती। कन्या कहती है कि आज के बाद से हम दोनों पति पत्नी के मर्यादित रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। यह रिश्ता जो है विश्वास का रिश्ता है, तो एक दूसरे के ऊपर हम दोनों को परस्पर विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। विश्वास ही परमात्मा का स्वरूप है। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर यदि आप अविश्वास करते हैं तो आपके सर्वनाश को कोई नहीं बचा सकता, भगवान के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, माता पिता के ऊपर और पति पत्नी के मर्यादित रिश्ते पे अगर कोई व्यक्ति अविश्वास प्रकट कर ले तो उसको कोई बचा नहीं सकता, साक्षात नारायण नहीं बचा सकते। तो कन्या कह रही है कि न सेवनीया पर किए जाया, आज से
आपको एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करना होगा, पत्नी के रूप में केवल मुझे स्वीकार करना होगा, दूसरी स्त्रियों में माता का रूप देखना होगा, बहन या पुत्री का भाव करना होगा। यदि आप एक पत्नी व्रत धर्म के परिचायक अनुयायक बनने के लिए तैयार है, मान्यता देते हैं, तो ही मैं आपके वामांग में आने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर 7 वाक्य कन्या के पूरे होते हैं। वह बोल देते ही आप बोल दे भैया स्वीकार है। अब चलिए, अब वर के भी 5 वाक्य जो बड़े 7 के बदले वर महोदय के केवल मात्र 5 वाक्य हैं, लेकिन बड़ा सार गर्भित 5 वाक्य हैं। इस पर भी कन्या सोनी को ध्यान देना होगा। वर महोदय कहते हैं कि हमें तो आपके 7 वाक्य सहर्ष स्वीकार हैं। यदि स्वीकार नहीं होता तो ये व्यवस्था आज यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। हमें सहर्ष स्वीकार है, लेकिन मेरी भी 5 वाक्यों पर आपको ध्यान देना होगा। वर महोदय की पहला वर महोदय का पहला वाक्य है, क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृह यानम त्यजेत प्रोषित भर्तिका। यहाँ पर एक शब्द आया है प्रोषित भर्तिका, जो यह सिद्ध करता है, पुरुष पति कह रहा है, वर कह रहा है कि आज से मैं आपकी सारी जिम्मेदारियों को निर्वहन निभाने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, हर समय मैं आपके संरक्षण में तैयार रहूंगा, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, आज से तुम मेरी आप हमारी मान हो, सम्मान हो, अभिमान हो, गौरव हो, मर्यादा हो। पत्नियां जो होती हैं वो कुल की परिवार की मर्यादाएं होती हैं। तो वर महोदय कहते हैं कि मेरी मर्यादा का तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, कहीं भी मेरी मर्यादा को गिरने ही देना है। तो हंसना, खेलना, कूदना, सजना, सवरना, घूमना, फिरना, पार्टी वगैरह अटेंड करना, ये सारे कार्य जब तक मैं साथ में रहूं तब तक तो आप कर सकती हैं। किसी भी कारणवश अगर मैं देश विदेश प्रदेश अन्यत्र कहीं चला गया हूं तो आपको इससे दूर रहना होगा। क्यों कह रहा है वर ऐसा? इसके पीछे कारण यह है कि जिस स्त्री का पति उसके साथ में न हो और वो स्त्री खूब सज धज कर दूसरे पुरुषों के साथ हंसी मजाक करे, घूमे टहरे, तो समाज क्या कहेगा। इसलिए मेरे कुल की परिवार की मर्यादा को मान सम्मान गौरव के लिए मेरी परिवार की मर्यादा का ध्यान रखना होगा, मेरे इस पहले वाक्य को सदैव याद रखना होगा। यह वर का पहला वाक्य रहा जिसको कन्या को स्वीकार करना होगा। दूसरे वाक्य में वर बेचारा साक्षीदार विटनेस गवाह ढूंढता है। किसी भी कार्य के साक्षी क्यों ढूंढे जाते हैं? गवाह, अवसर समय आए तो गवाह वहां खड़े हो जाएं। तो वर महोदय सबसे पहला गवाह भगवान विष्णु को ढूंढते हैं। हालांकि विष्णु इनका नाम इसलिए है कि कणकण में ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, कणकण में व्याप्त होने के कारण इनका नाम विष्णु है। लेकिन कन्या कह रही है कि महाराज आप कह रहे हैं कलशस से मुखे विष्णु, पंडित जी जाते जाते यहां तो देवगणा कर देते हैं। तब तो वर महोदय कहते हैं वैश्वानर योजक नाम की अग्नि महाराज ये भी घी लकड़ी के भाव में चले जाएंगे। बर तीसरा गवाह खड़ा करता है, दोनों तरफ के पंडित जी बोले दक्षिणा लेने के बाद पंडित जी भी मिलने वाले नहीं है। चौथा गवाह बर तलाशता है, कहते हैं ज्ञाति बांधवा कथन सवेर हो गए जात है, चिल्लाए शुरू कर दे। तो भाई चाल स्वभाव न छूटे बुरा दिन मानत जाए। तो बर कह रहा है कि ज्ञाति बांधवा, दोनों तरफ के ज्ञाति बांधव आए हैं। विवाह एक ऐसा यज्ञ है, दूसरे यज्ञों में केवल भाई बंधु इष्ट मित्र शुभ चिंतक होते हैं, लेकिन ज्ञाति शब्द का अर्थ है जानकार, नाते नाथ पनाते सीताराम, इनमें सब आवत है, जो कि क्यों ना जानत वह पहुंचा रहा था यहाँ। तो वर कहता है इतने सारे लोग खड़े हैं हमारी तरफ से, कन्या कहे कोई नहीं आने वाला है समय अवसर आने पर। घरे में अंगना ही बनवाई जाए, सब आजकल बंद कर दिया, ना खुलते कैसे देखा खुलावे में, ऊपर ताकत जा। पंचम ध्रुव आलोक्य, वर कहता है अनादिकाल अष्टा, पंडित जी लोग पढ़ते हैं अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे, 28वां मनवंतर चल रहा है, पता नहीं कितना हजार साल बिता हुए, लेकिन ध्रुव महाराज आज भी अटल खड़े पड़े हैं। कहते हैं दोनों जने देखा ऊपर एक बार, पंचमम ध्रुव आलोक्य सत्वम साक्षित्वम ममागता, मैं इतने लोगों को साक्षी विश्वास में लेकर आपको बामांग में निश्चित निर्भया हो जाओ, निडर हो जाओ, किसी भी बात का डर तो आपके मन में नहीं होना चाहिए, संपूर्ण संरक्षण देने के लिए मैं तैयार हूं। यह वर का दूसरा वाक्य है। अब तीसरे वाक्य में वर गंभीर होकर व्यवहारिक बात करने जा रहा है। वर कहता है कि तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपेत व्रते में सर्वदा देयम हृदयस्थम बरानने। कभी भी गृहस्थी में तनी रावत हर जगह होत है, और होत है तो बहुत छोटी बात के लेके,
मामूली सी बात पर आज ये सब्जी बने ना ही नहीं काल बना रहा है, कालेज बना रहा है। बर कह रहा है तब चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम लोपहित, आपका मन और हमारा मन, हम दोनों का मन, हमारी अंडरस्टैंडिंग एक होनी चाहिए। किसी भी बात को लेकर वाणी का तकरार झगड़ा नहीं होना चाहिए, किसी भी विषय को लेकर के। व्रते में सर्वदा देयम, इस बात का सदैव ध्यान रखना, अगर पति नरम बा गरम बा तो पत्नी नरम हो जाए, और पत्नी मान लो कहो अगर गरम भाई बा तो पति बेचारे नरम हो जाए चाहे, यह नियम हो। इस बात को व्रते में सर्वदा, अच्छा यहाँ पर शब्द क्या प्रयोग किया है, व्रते में सर्वदा, सर्वदा शब्द है, सर्वदा माने हमेशा, एक दो बार, एक बार के लिए भी छूट नहीं दिया है। व्रते में सर्वदा देयम, इस बात का आपको हमेशा ध्यान, हम दोनों को, आपको अकेले नहीं करा है। व्रते में सर्वदा देयम, मेरी इस बात का हम दोनों को सदैव ध्यान रखना होगा। हृदय स्थम बरानने, तो सदैव मेरे हृदय में तो आपका स्थान होगा। ये वर का तीसरा वाक्य था। अब चौथे वाक्य में, पांच वाक्यों में से केवल एक वाक्य ऐसा है जिसमें पत्नी के कर्तव्य को बताया गया है, पत्नियों का कर्म क्या है, पत्नियों को करना क्या चाहिए। तो वर महोदय कह रहे हैं कि मम तुष्टिश्च कर्तव्या बंधूनां भक्ति मादरात ममाज्ञा परिपाल्यैखा पातिव्रत परायण। ये चार काम है केवल पत्नियों के। पहला काम क्या कहा वर ने कि मम तुष्टिश्च कर्त, सबसे फर्स्ट मेरी प्रसन्नता किसमें है वही काम आपको करने हैं। अनुसुईया जी सीता माता को समझा रही है, बड़ा अरण्यकांड में बड़ी विशेष इसकी बातें बताई गई है, जानकार लोग जानते हैं। एक लाइन में वर कहता है कि पत्नी को सिर्फ वही काम करने चाहिए जिसमें उसका पति प्रसन्न हो, चाहे उस समाज के दृष्टि से गलत हो, चाहे परिवार के दृष्टि से गलत हो, चाहे धर्म के दृष्टि से गलत हो। सीता, सावित्री, अहिल्या, मंदोदरी, तारा, ये सब नाम ऐसे हैं जिनको जग पूजता है, लेकिन अगर इनकी स्थिति को देखने जाइए तो विवादित जीवन सभी का है, सभी का अति विवादित जीवन रहा है, लेकिन ये परम पूजनीय और वंदनीय है केवल अपने पति को पातिव्रत धर्म परायणा होने के कारण। तो बर महोदय कहते हैं कि मेरी प्रसन्नता जिसमें है बस वही काम आपको करने हैं, लेकिन ध्यान रहे मेरे साथ में मेरी माता है, पिता है, भाई बंधु है, परिवार के और दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, तो समय समय पर उनकी भी आवश्यकताओं को ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है केवल मियां बीवी राजी तो क्या कैसे हो ना सीताराम। तो बर कहता है कि केवल मेरी प्रसन्नता नहीं देखनी है, मेरे परिवार के जो दूसरे भी और भी सदस्य हैं, समय रहते उनकी भी सेवा शुश्रूषा वंदना करनी होगी, इस बात की भी जिम्मेदारी आपको माननी होगी। और ममाज्ञा परिपाल लेखा, इन केस कभी ऐसे समस्याएं आ जाती हैं कि सास कुछ चाहता है, ससुर कुछ चाहता है, पति कुछ चाहता है, और पत्नी का मन कुछ करने के लिए अलग भागता है, तब क्या करना चाहिए। नीति कुछ कह रही है, व्यवस्था कुछ कह रही है, तब क्या करें। तो बर महोदय कह रहे हैं कि ममाज्ञा परिपाल लेखा, ऐसी स्थिति में पति जो कहे वही काम करना चाहिए, भले ससुर बड़ा है लेकिन पति जो कहे वही काम करना चाहिए। ममाज्ञा परिपाल लेखा, मेरी आज्ञाओं का सदैव पालन करना होगा। और पाति व्रत परायणे, जैसे आपने मुझे कहा था कि एक पत्नी में विश्वास रखना होगा, ऐसे ही आपको भी एक पति धर्म का पालन करना होगा। ये वर का चौथा वाक्य रहा। पांचवें और अंतिम वाक्य में वर सरेंडर हो जाता है। सरेंडर शब्द है ना, सरेंडर क्यों होता है, अपनी स्मृति वाक्यों को ध्यान में रखकर, धर्म वाक्यों को ध्यान। फेरों के समय हमने जो बात समझाई थी, हमारे शास्त्रों में पुत्र कहा जाता है, पुत्र क्यों कहा जाता है, संतान को, बेटों को पुत्र कहा जाता है। तो पुत्र नाम इसलिए है कि पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्र, एक नरक है जिसका नाम है पुम, और उस नरक से वही पार होता है जिसको पुत्र होते हैं। अब देखिए यहां पर एक बात और जान लीजिए, ये थोड़ा सा विरोधाभासी अर्थ बताने जा रहा हूं। अगर चार भाई हैं, दो भाई हैं, और दो भाइयों में से अगर एक ही भाई को पुत्र हो गए तो सारे भाई पुत्रवान हो गए। अगर एक पति के चार पत्नियां हैं और चार पत्नियों में से केवल एक पत्नी को पुत्र हो गया तो चारों माता हो गई, चारों पुत्रवती हो गई। तो ध्यान रहे, पुम नाम नरकात त्रायते इति पुत्र, केवल पुत्र संतानोत्पत्ति करने के लिए नहीं, तो गृह कारज नाना जंजाला,
गृहस्थी में पहुंचे के बाद सब कहते नाना जंजाल हो, लेकिन एकमात्र सारा जंजाल सिर्फ पर है कि हमें संवैधानिक पुत्र होंगे। शास्त्र यहाँ तक कहता है कि जो जय उठाओ और जल्दी खट से उठाओ प्रणाम करे जय भगवान हर हर महादेव दर दर हरे लड़की दर संकट नहीं है। और का जो सुंघवाते हैं ना ये चेक करा था कि हमारे नाथ पनाथ हमारे खानदान हो हमारे खून पसीना दूसरे के हो, यह उसका महत्व है। तो इस कार्य की सिद्धि तभी होगी जब हमारा यह वैवाहिक जीवन सफल होगा पूरा होगा आगे बढ़ेगा। तो वर महोदय आश्रमाणाम प्रवर्तते तस्मात्त्वं मम विश्वस्ता भववामांगगामिनी। बिना पत्नी के हमारे शास्त्रों में कोई कार्य किसी भी कार्य की धर्मादिक कार्यों की सिद्धि नहीं बताई गई है, इसलिए हमें धर्म कार्य की सिद्धि के लिए मनुष्य जन्म के उद्धार के लिए अपनी मोक्ष गति को प्राप्त करने के लिए आपको मैं सहर्ष अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। दोनों को परस्पर एक दूसरे की बातों को समझना होगा और भविष्य तक इन सारी मर्यादाओं का पालन करना होगा। यदि आप हम दोनों मिलकर इसके लिए तैयार हैं, वर कहता है यदि आप भी मेरी इन पांच वाक्यों को मानने के लिए तैयार हैं, तो ही मैं आपके वामांग में आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। यहाँ पे वर के पांच वाक्य पूरे